दोस्ती। अपने दोस्तों को अच्छाई की तरफ नसीहत करते रहो, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा। हकीकी दोस्त वो है जो आपकी तरफ उस वक्त आता है जब सारी दुनिया आपको छोड़ चुकी होती है। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त को शामिल करो जो आईना और साया बनकर आपके साथ रहे, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। हर शख्स सच्चा दोस्त ढूंढता है, लेकिन खुद सच्चा दोस्त बनने की जहमत गवारा नहीं करता। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, अपने पास से कभी मायूस नहीं लौटाता। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर जलील करवाता है। नाकाबिले एतबार दोस्त से तन्हाई बेहतर है। वो शख्स अहमक है जो दुश्मनों को दोस्त बनाने के लालच में दोस्तों को दुश्मन बना ले। अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती मत करो, ऐसा करने से तुम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे दोस्त को अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, पागल, एक दोस्ती तो है जिसका कोई मतलब नहीं होता। जहां मतलब हो वहां दोस्त नहीं होता। दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसकी अखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। दोस्त वो है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐसे दोस्त को छोड़ दो जिसमें ये चीज़ें जाहिर हों। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है लेकिन मुनाफिक नहीं। बुरा दोस्त कोयले जैसा होता है, जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब कोयला ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। उसको दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, ख्वाह वो मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। मुनाफिक दोस्त और साया में कोई फर्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। जहां इज्जत, सच्चाई और खलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब ऊपर वाला कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। Thank you.
कैसे ब...